नमस्कार, मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अभी हम मौजूद हैं कोयला नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में। आज यहां पर बीसीसीएल का 50वां एवं इम्मा का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में की शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा की गई। आज यहां पे कई स्कॉलर द्वारा अपने रिसर्च पेपर, माइनिंग में रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किया गया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पे नेशनल सेंटेनरी सेमिनार ऑन माइनिंग इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी 2023, इसका आयोजन किया गया। 20 से 21 जनवरी को ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें विभिन्न माइनिंग से जुड़े रिसर्चर्स अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और जो उनमें से बेस्ट पेपर्स होगा उन्हें इम्प्लीमेंट के लिए आगे भेजा जाएगा। तो हम सीधा जुड़ेंगे इम्मा के प्रेसिडेंट से और इसके बारे में और जानकारी लेंगे। आज ये नेशनल सेमिनार हो रहा है बाई इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन एंड बीसीसीएल। इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन का 100 साल हो रहा है और बीसीसीएल का 50 साल पूरा हो गया है, तो हम लोगों का सेंटेनरी सेलिब्रेशन है और बीसीसीएल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। इसी अवसर पर जो है सो चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी पर ये सेमिनार हो रहा है, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी इन कोल माइंस। कितने आज डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, कितने डेलीगेट्स ने अपना लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ऑथर लोग अभी पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। एक पहले इससे प्रेजेंट हुआ पहले, अभी करीब 4 लोग प्रेजेंट करेंगे, फिर कल फिर जो है सो करीब 8 से लेकर 10 लोग प्रेजेंट करेंगे पेपर। तो बहुत अच्छा पेपर सब आ रहा है और डेलीगेट्स करीब करीब 150 के लगभग जो है सो टोटल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ माइनिंग जैसे अपॉर्चुनिटी है इस पूरे कार्यक्रम का, में एक इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है अपॉर्चुनिटी, तो माइनिंग की क्या अपॉर्चुनिटी देखी जाती है? चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, इसलिए कि अभी जो इंडिया का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है 70% से ज़्यादा आ रहा है कोल से। कोल थर्मल पावर हाउस में जाता है, वहाँ पावर जनरेट होता है कोयले से, तो 70% से ज़्यादा जो एनर्जी अपने देश में मिल रहा है वो कोयले के बल पर मिल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा कम से कम अगले 30-40 साल तक के। कोल ही डोमिनेट करेगा क्योंकि दूसरे एनर्जी के जो सोर्सेस हैं अभी इस लायक नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो है सो कोल को रिप्लेस कर सके। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत प्रेशर है कि कोल का प्रोडक्शन कम करिए, लेकिन हम लोग के देश का जो स्थिति है उसके हिसाब से कोल अभी डोमिनेट करेगा कम से कम अगले 30-40 साल तक। मैक्सिमम जनरेशन जो होगा पावर का कोल से ही होगा, तो इसलिए कोल का फ्यूचर अभी जो है सो ब्राइट है। कोल का प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है, जैसे 2025 में, माने फाइनेंशियल ईयर 2025 जो होगा उसमें 1000 मिलियन टन प्रोड्यूस करना है कोल इंडिया को। इसके अलावा जो है कम से कम 300-400 मिलियन टन जो है प्राइवेट सेक्टर से आएगा, तो टोटली करीब करीब 1500 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन अगले 3-4 साल में होगा। जैसा कि भारत के अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भार जो है वो कोल के भरोसे है, तो सर क्या नए चेंजेस कोल माइंस में या खनन में आने चाहिए जो कि इसे और आगे बढ़ाए? पॉजिटिव चेंजेस ये है कि अब बड़ा बड़ा मशीन लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाना है तेज़ी से तो जब तक के बड़े बड़े हायर कैपेसिटी का इक्विपमेंट नहीं लगेगा तब तक के कोल का प्रोडक्शन जो हम लोग चाहते हैं कि 1000 मिलियन टन 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर 25 में हो जाए, इसी तरह से 1500 मिलियन टन जो प्रोड्यूस करना है अगले मान लिया कि 10 साल में, ये तभी संभव है जब हम लोग हाई कैपेसिटी का इक्विपमेंट जो है सो ओपन कास्ट में लगाएंगे, जैसे बड़े बड़े ड्रैग लाइंस, बड़े बड़े सॉवेल, बड़े बड़े डंपर वगैरह जो है सो 400-400 टन का डंपर आ रहा है, आपका जो है सो करीब 42 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का सॉवेल सब आ रहा है, तो हायर कैपेसिटी का इक्विपमेंट जब तक नहीं लगेगा तब तक के कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सर
सर, एक आखिरी सवाल होगा कि दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया जिसमें हमारे राज्यपाल मौजूद रहे, गवर्नर सर मौजूद रहे, कल किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? कल ऐसा है कि कल जैसे अभी पेपर सेशन चल रहा है, इसी तरह से पेपर सेशन चलेगा, एक तो लंच के पहले और फिर लंच के बाद, और उसके बाद एक कमेटी रिकमेंडेशन बनाती है बेस्ड अपॉन द पेपर्स प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनार। वो जो रिकमेंडेशन कमेटी बनाएगी उसको सब जगह भेजा जाएगा, सब जैसे कोल इंडिया के सभी सब्सिडियरी में भेजा जाएगा, प्लस सिंगारैनी में भेजा जाएगा, प्लस जो प्राइवेट कोल कंपनी आ गई है मार्केट में उनके यहाँ भेजा जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंडेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों के पास भेजा जाएगा। इसके बाद जो है सो हम लोगों का होगा वैलिडेक्टरी सेशन कहलाता है, माने समापन समारोह कहिए। तो वैलिडेक्टरी सेशन में हमारे एक चीफ गेस्ट रहेंगे और एक गेस्ट ऑफ ऑनर, एटलीस्ट इतना। चीफ गेस्ट के रूप में कोल इंडिया के चेयरमैन जो है ऑनलाइन जो है सो एड्रेस करेंगे बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे डायरेक्टर इंडियन IIT ISM के, ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। बाकी जितने डेलीगेट्स हैं और हम लोग सब लोग रहेंगे हैं। तो जैसा कि हमने सुना, आज कई रिसर्चर्स ने अपने पेपर को प्रेजेंट किया, उनके माइनिंग पे रिसर्च को सुना गया, साथ ही उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और जो उसमें से बेस्ट रिसर्चर होंगे उनके पेपर को आगे भेजा जाएगा, साथ ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। तो ऐसी ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे मेरी सहयोगी अंजलि के साथ। मैं प्रतिज्ञा, मिरर मीडिया, धनबाद।